हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज हम एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ पे हमें मिलेंगे बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स, मोस्टली वहाँ पे टर्टल्स होने वाले हैं। आज की जर्नी हम शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनली यहाँ पहुँच चुका हूँ। आई हैव गॉट माई बैंड एंड टिकट, सब हो चुका है। एज यू कैन सी देयर इज अ साइन बोर्ड विच शोज टर्टल एग्जिबिट्स, क्रोकोडाइल कोव। व्हाट शुड वी डू फर्स्ट? अच्छा करते हैं, सब एक्सप्लोर करते हैं। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस। देखो पोज दे रहा है पूरा। हाय हाय, आई थिंक इन्हें भूख लग रही है या इन्हें मैं बहुत पसंद आ रहा हूँ, स्पेशली इस टर्टल को। चलते चलते हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे ब्लू और वाइट पीकॉक मिलते हैं। और राइट देयर तुमने देखा एक पीकॉक है जिसने अपने पंख खोले हुए हैं। आई एम नॉट श्योर वो दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि वो काफ़ी दूर है। इट्स सो ब्यूटिफुल। गाइस हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ काफ़ी लोग स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। लुक्स रियली गुड, लेट्स सी। एक्चुअली लोग देख कर रहे हैं। टेक अ कैमरा इन द वाटर विद यू? नो, नॉट रियली। बट द बेस्ट पार्ट, द बी इज अ वेरी एंड, वेरी बैड एंड। ओके। ऑल द वे टू द ब्रिज। आई डोंट नो इफ यू सीन द शार्क्स येट। इफ यू वांट, देयर इज अ शार्क्स ओवर देयर, यू कैन सी द बॉटम एंड यू कैन जस्ट व्यू द टॉप। Okay. And the best place to experience it, so you want to take this left path here, this left path here, mm-hmm. and just head straight down to the end. Okay. All right. Perfect. All right. And we can just leave my stuff. You can either leave it with me if you want, or you can leave it on the chairs. It's pretty safe. So guys, पक्का हो चुका है कि अब हम जा रहे हैं snorkeling करने के लिए। हमारे पास अपनी gear है, सब कुछ ready है। अब चलिए, let's do some snorkeling, and it's pretty deep. सबसे shallow जो part है, that's 15 feet. बट ठीक है, स्विमिंग आती है, कर लेंगे सर्वाइव। मैं ऑब्वियसली फ़ोन नहीं ले जा सकता क्योंकि इट्स नॉट वाटर प्रूफ। आई विल कैच यू अप इन अ बिट एंड आई विल टेल यू अबाउट दिस एक्सपीरियंस। बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। शायद आप देख पाए यहाँ पे कुछ बेबी फिशेस दिख रही हैं बिकॉज इट्स जस्ट द शोर। बट एज वी गो इनसाइड, मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ। हमारे आगे दो लोग जा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो सिर्फ उनकी अपर बॉडी बाहर है। सो दैट्स ऑलरेडी 4.5 feet। तो हम गए थे बिल्कुल आगे तक। ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने जो सोचा भी नहीं था। लाइक आई सॉ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टर्टल्स, फिशेज देखी बहुत सारी, एंड द वाटर वॉज सो गुड। ऑल दो अगर आप देख रहे हैं तो आपको एल्गी दिख रही होगी थोड़ी सी, बट दैट्स बिकॉज टर्टल्स फीड ऑन देम, सो दे कैंट रिमूव इट। और वो उन्होंने साइन बोर्ड पर भी लगाया हुआ है। तो गाइज अगर आप वहाँ देख सकते हैं, पीछे एक हट है ग्रीन कलर का, वहाँ पे हमें शार्क्स के साथ एक्सपीरियंस करने को मिला, बेबी शार्क्स। और वहाँ पे कुछ और ऐसे टर्टल्स थे जो शायद इस डेप्थ पे नहीं होते। मैं तो सही में कहना चाहूँगा यार, अगर आपने स्नॉकलिंग करने का कोई प्लान किया और एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू। जैसे आप देख सकते हो बहुत छोटी सी फिशेज दिख रही हैं यहाँ पे, एंड ये देखो बड़ी फिश भी आ गई। लाइक वी आर एक्चुअली इन अ फीट डिस्टेंस विद दिस फिश। और ये तो गाइस अभी हम बहुत ऊपर हैं, जैसे हम डीप जाते हैं लाइक इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको फील होता है कि हाँ यार ये उन्हीं की टेरिटरी है, हम यहाँ विजिटर्स हैं। हम आ चुके हैं बाहर फिशेस को डराते हुए। आई जस्ट क्विकली रिटर्न दिस स्टफ एंड विल प्रोसीड टूवर्ड्स द नेचर ट्रेल और समथिंग, लेट्स सी। थैंक यू सो मच, really a nice experience. Thank you for guiding me through. No problem. Enjoy the rest of your day. Thank you. Bye. चलो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है एक नेचर ट्रेल। जैसे इट्स अ क्विक वॉक, बट लेट्स सी हाउ क्विक इट इज। लकीली आज बारिश नहीं हुई है एंड काफी सनी डे है, सो इट्स रियली गुड। क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है।
और बारिश होती तो शायद मैं इतनी चीज़ें कर ही नहीं पाता. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट साइन बोर्ड दैट वी सी हियर, द नेचर ट्रेल. आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ सकते हैं ज़रूर. मैं कंटिन्यू करता हूँ. यहाँ एक बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई आर्ट पीस है. एंट्रेंस दिस वे. थैंक यू फॉर नॉट स्मोकिंग. ओह वाओ, दिस एक्चुअली फील्स लाइक अ ट्रेल. जस्ट लुक एट दिस गाइस. अच्छा, यहाँ से दो रास्ते जाते हैं तो यार मैं लेफ्ट जाऊँ राइट जाऊँ? आई थिंक लेफ्ट चलते हैं. अच्छा यार, यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं. मतलब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो सामने से आ रहे हैं तो फिर वही सॉरी बोलते हैं. दिस लुक्स एक्चुअली लाइक अ ट्रेल. ये देखो, हम यहाँ से नीचे से जाएंगे. ओके, आई डोंट नो यहाँ से बाहर कैसे जाना है. जस्ट किडिंग. ये देखो, ये है यहाँ की छिपकली. वेलकम टू द ब्लू होल, सिंक होल एंड केव. ओके ओके, इसके बारे में मेरे को बाहर यहाँ के स्टाफ ने बताया था. तो गाइस, ये है वो केव जिसके बारे में बात कर रहे थे. 20 साल पहले ये सी वाटर से कनेक्टेड थी, बट अब जब भी रेन होती है या कुछ होता है तब इसमें वाटर आता है. चलो अच्छा, मैं अकेला नहीं हूँ, कुछ लोग आ गए हैं. तो वो भी समझना चाह रहे हैं कि ये केव कहाँ है. जो इधर आएंगे तब उन्हें दिखेगी. उनको नहीं समझ आ रहा. एनीवेज, मुझे भी उस तरफ खड़े होकर नहीं समझ आया था. तो यहाँ से हम निकलने का रास्ता देखते हैं, कैसे यहाँ से बाहर निकलना है. तो गाइस, मैंने समझ लिया है नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ जाना चाहिए हमें. यहाँ पे बर्ड्स हैं और मुझे दिख नहीं रहे हैं बर्ड्स, तो आई एम जस्ट स्किपिंग इट फॉर नाउ सो दैट वी डोंट मिस आउट ऑन समथिंग विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग. मुझे वैसे बाहर से भी नहीं दिख रहे, तो आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू एंटर हेयर. आगे बढ़ते हैं. यह है एक नर्सरी. पीकॉक दिख चुका है हमें दोबारा, पर अब इसका मूड नहीं है शायद. शार्क फीडिंग कर सकते हैं हम एक्चुअली. या लेट्स डू द शार्क फीडिंग. अरे यार, 11 बजे होनी थी. व्यू ले लो. मुझे लग रहा है ये कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है. मैं एक पाइसियन हूँ तो पानी तो मुझे पसंद है. गाइस, मैंने यहाँ कैमरा सेट कर लिया है और मुझे लगता है मुझे भी पानी में जाना चाहिए. कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं टी शर्ट पे स्विम कर रहा हूँ. गाइस, यहाँ पे टैनिंग इतनी ज़्यादा गंदी होती है मैं बता नहीं सकता. पानी के अंदर से व्यू दिखाता हूँ थोड़ा. गाइस, हम फाइनली ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पे हम वी कैन टच द टर्टल्स. यूज ओनली 2 fingers टू टच, क्योंकि थोड़े सेंसिटिव से लग रहे हैं, छोटे छोटे से, नाजुक नाजुक से. आई एम रियली एक्साइटेड टू डू दैट. लेट मी जस्ट क्विकली वॉश माय हैंड. सो इट्स 2 finger touch. ओह, आई डोंट नो अब मैंने कैप्चर किया कि नहीं, बट या एक ये कैविटी में है. सो
Oh my god, I think I'm making him panic or dar raha hai. That's what I don't want to do. That's not my intention. Main wo kisi ko panic nahi karna chahta. But yes, also at the same time I would like to touch them to get a feel of how they are. यहाँ पे भी कुछ है टर्टल्स, ये देखो छोटे वाले को टच करके ट्राई करते हैं. हाय टर्टल्स, इसका टेक्सचर देखो गाइस, ये कुछ ज्यादा ही बढ़िया सा लग रहा है मुझे. Yeah, this turtle is like quite active and I surely want to touch him if he allows me to. Hello! Oh my god. I just wanted to see how you feed. This is their main, their second feeding for the day. So. Okay, so this is the lunch for them? Huh? This is the lunch for them? No, this is dinner. Oh, this is dinner. Yeah. And then I finish this, and I give them a little while, then I give them lettuce. Okay. I feed them lettuce after this. What is it made of? It's actually based on the turtle grass that they eat in the wild. Okay. But the but since they're missing the wild here, so yeah, it's prepared. We couldn't keep bringing in their natural food all the time. Mm-hmm. So they sent some of this back to the States and they came up with this stuff. So okay. Kind of like, you know, maybe somebody who makes a lot of dog food. Yeah. Kind of stuff. Yeah. Okay. Can I feed them a ball? Sure, if you want. Yeah. Like, which ones are the ones which doesn't needs... Doesn't matter where you do what, it's alright. Okay, thank you. So guys, ye uncle bahut acche inhone mere ko ye food diya hai inke liye. So let's see how they react. And I remember this. He's not interested or iska pet bhar chuka hai. Oh yes. इसने खाया. Come back, see us again sometime. Anyway. Definitely. Yeah. Bye bye. All right. Take care. Thank you. यार ये जिसने भी फोटो ली कितनी क्यूट फोटो है यार, ये कितनी ज़्यादा क्यूट है. Okay. Let's see where it is. This incubation egg box. उन्होंने एक बॉक्स यहाँ पे रखा है फॉर डिस्प्ले ताकि लोग समझ सकें कि बाकी के बॉक्सेस कैसे हैं. सो हम इसको अच्छे से देखेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि यहाँ पे इन्होंने बनाया सी बेड. तो गाइस ये सारे इंक्यूबेशन बॉक्सेस हैं और बेसिकली इसमें एग्स रहते हैं. तो देर आर सर्टेन पैरामीटर्स जो इन्हें मीट करने पड़ते हैं. जैसे एक नॉर्मल एग जो होता है वो हैच होता है 55 दिनों में, 60 दिनों में, एटलीस्ट 2 महीने ही लग जाते हैं इसको होने में. और इसका टेम्परेचर 82 डिग्री फ़ारेनहाइट रहना चाहिए. तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है बट हाँ सोफिस्टिकेटेड है. इन्होंने बहुत अच्छे से सीरियल नंबर्स के साथ इनको मैप किया हुआ है. यहाँ पर उन्होंने कुछ प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बेबी टर्टल्स रखे हैं जो आई थिंक कुछ दिनों के हैं. इस समय यू कैन सी
ये देखो कितने छोटे हैं, देखो यार। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, ब्रीडिंग टाइम चल रहा है तो हमने लकीली अंडे भी देख लिए इनके। वेज ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। अब आई थिंक लेट्स मेक अ मूव। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज, पता ही है यार, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। अगर यू हैव समथिंग व्हाटएवर इन द माइंड, अच्छा बुरा जो भी तुम्हें लगता है यार, ज़रूर बताओ। एंड आई विल सी यू अराउंड। बाय।